Okay, guten Morgen. Wie geht es? Ich is Schluck, ich is nicht eingegangen, okay? Ich bin. Oder? Super. और राहुल जय गुड डांक। उन अगर आपको यहाँ पे सबको पूछना है, मतलब जैसे श्लोक को, अर्णव को और मुझे, तो फिर आपका ईयर ठीक है। ओके, बट उसमें भी ईयर आप दो लोगों के लिए पूछते हो। अगर एक को पूछना है तो उंड दू, ओडर प्लूरल उंड जी, क्लियर? या जय गुड। I'll share the screen. Is the screen visible? Okay, so in the last lecture we have seen नंबर्स फ्रॉम 100 to 1000, याद है सबको कैसे हम करते हैं वो नंबर इन राइटिंग? 100, 200, 300। अगर 201 लिखना है तो 200, 300, 300, याद है सबको? श्लोक, अर्णव, ओके। तो मैं रैंडमली फिर से एक बार, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, तो एक बार रिवीजन के लिए आपको नंबर्स दे दूंगी। सो यू हैव टू राइट कि क्या होगा उसका। तो जैसे 304, तो क्या लिखोगे? एवरीवन शुड आंसर। ड्राई हुंडर्ट फियर, ओके, उंड नहीं आएगा बीच में। ड्राई हुंडर्ट फियर, या राहुल का जो है वो सही आया है। ड्राई हुंडर्ट फियर, ओके। और स्पेलिंग्स थोड़े से चेक कीजिए। अर्णव, श्लोक, श्लोक, फियर का स्पेलिंग जो है वो ये है, आपने जो लिखा है दैट इज फ्यूर, ओके। श्लोक, आपने जो लिखा है ना एंड में, ड्राई हुंडर्ट आपने सही लिखा, एंड में जो लिखा वो फ्यूर है, फॉर के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नॉट फियर। और फोर के लिए हम फियर यूज करेंगे, VIER, ओके। और एक दे देती हूँ, फिर नेक्स्ट कर लेंगे हम लोग। सिक्स हंड्रेड एट, ओके। रिश्त रिश्त, सिक्स हंड्रेड एट। और इसका भी बता दीजिए। ओके, श्लोक, अर्णव, आपका आंसर क्या है?
900 आक्सेप ब्रिटिश, क्योंकि 900 तो इसलिए 900 और 18 को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आक्सेन, इसलिए आक्सेन रिस्टिश जगु। ओके, इसके बाद एक थोड़ा सा नंबर्स का ही रिवीजन है, बट जो पहले वाले नंबर्स है जो हमने 0 to 100 तक किए थे उनका थोड़ा रिवीजन का पार्ट है। ओके, सो टेलीफोन नंबर, आपको अगर आपका टेलीफोन नंबर बताना है तो आप कैसे बताओगे, उसका एक बाइस्पील एग्जाम्पल है। सो फर्स्ट विल रीड दैट एग्जाम्पल, उसमें एक नंबर दिया गया है 0897766555, तो उसको आप कैसे दो तरीकों में पढ़ सकते हो, और वैसे ही सिमिलर रिवीजन हमें करनी है जो नीचे टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं उनकी। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल है उसके लिए अर्णव प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड एग्जाम्पल। मैम ऑफ टेलीफोन नंबर और सेकंड वन बाईस यस, टेलीफोन नंबर बाईस्पील उन दिस बाईस तीन 0 8 9 7 7 6 7 0 0 order 9 9 und 8 7 und 5 6 und 6 रिश्तेश। तो अभी जैसे ये नंबर हमने पढ़ा उसे हम दो टाइप में पढ़ सकते हैं, राइट। एक तो इंडिविजुअल नंबर हम प्रोनाउंस करेंगे, जैसे नुल आक्ट नॉइन जीबन जीबन जेक्स जेक्स फ्यूम फ्यूम, ओडर हम दो का ग्रुप करके पढ़ सकते हैं, जैसे नुल उसके बाद नॉइनुन आक्सिश, मतलब 89 पढ़ा हमने नॉइनुन आक्सिश बोल के। उसके बाद जो जीबन जीबन है 77 है, उसके लिए हम लोग जीबन उन जिप्सिश, सिमिलर मतलब दो तरीके, जो ओडर है उस वो और के लिए है। तो जो दो तरीके बताए गए हैं हमें नंबर पढ़ने के, सिमिलर वे में आपको जो नीचे दिए गए नंबर है देखिए लीज बिटर, तो वो हमें पढ़ने हैं रीड दिस नंबर्स। तो टेलीफोन नंबर जो आगे पहला वाला दिया गया है 0 30 34 45 56, ये जो नंबर है इसको आपको जर्मन में पढ़ना है, और वो भी दो दोनों तरीकों से, जैसे इंडिविजुअल नंबर भी और दो नंबर्स क्लब करके वैसा भी। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ राहुल, तीन नंबर से तीनों एक एक नंबर पढ़ लेना। पहला राहुल आप पढ़ लीजिए। हाँ नोल्स ड्राई नोल्स ड्राई फिया फिया फुन फुन सेक्स या नोल्स ड्राइजेश फिया उन ड्राइजेश फुन फुन फियाजेश रिश्ते जेक्स उन फनजेश। या वेरी गुड, आप नुल्स पढ़ रहे थे, वो नुल है। ओके, एस आगे नहीं है, नुल या जीरो। ओके, उसके बाद अश्लोक प्लीज रीड नेक्स्ट नंबर। कौन सा वाला मैम, सेकेंड 0212 जो वाला है, ये वाला कर्सर दिख रहा है आपको? हाँ मैम, 0 नुल ज्वाई नुल ज्वाई आइन ज्वाई आक्ट आइन ज्वाई फ्यूम्स आक्ट ड्राई फियर। रिश्ते वेरी गुड। अभी जो आप आईना बोल रहे हो ना, वो आईना नहीं प्रोनाउंस करना है, आपको आइंस करना है वन के लिए। आइंस ओके हाँ, अभी अभी दो नंबर को क्लब करके, जैसे जो 1 2 है, मतलब पहला तो नुल स्वाय वैसे का वैसे ही रहेगा, उसके बाद जो 12 आएगा उसको आप क्या बोलोगे? नहीं, 12 या एल्फ 12। हाँ ज्वाइस नेक्स्ट आक्ट उन स्वानफिश। आक्ट उन स्वानफिश यस ज्वाइस यस आक्ट उन फ्यूम फिश वेरी गुड। फियर उन फियर उन ड्राई फिश ब्राइट से श्रेष्ठ इश वेरी गुड। ओके नेक्स्ट अर्णव
थर्ड नंबर दिस वन. नुल सीबेन सेक्स आइन द्राय द्राय ऑक्ट सीबेन ऑक्ट सीबेन नुल. या रिस्ट अभी नुल सीबन आइन उंड सेक्सिश ऑक्ट उंड द्राइजिश ऑक्ट उंड सीबेनजिश सीबेनजिश. हाँ अब यहाँ पे जीबेनजिश नहीं होता, जिबजिश होता है. ये देखो यहाँ पे जैसे हुआ है, मतलब बाकी करेक्ट था आपका, सिर्फ ऑक्ट उंड जिबजिश और जिबजिश. क्लियर? ओके. सिमिलरली जैसे टेलीफोन नंबर होता है वैसे हाउस नंबर होता है, अपने घर का एक नंबर होता है, तो वैसे ये तीन नंबर्स दिए गए हैं. अभी आपने पढ़ लिया तो ये सिर्फ एक का कैसे होगा वो चैट बॉक्स में बता दीजिए, 122 का. बाकी के तीन तो आपको आ ही जाएंगे. 122 का कैसे करोगे? यस प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. आप 122 के लिए कैसे लिखोगे? आइन हुंडर्ड स्वाय उन स्वांसिश रिश्टिश. अभी या तो यू कैन यूज आइन हुंडर्ड ओडर, सिंपली सिर्फ अगर हुंडर्ड लिखा तो भी चल जाएगा. ओके okay? जैसे यहाँ पे देखिए हुंडर्ड स्वाय उन स्वांसिश, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. आइन हुंडर्ड लिखा तो भी कोई ऐसे बहुत बड़ी गलती नहीं हो गई, हो जाएगी, वो सही ही है. हुंडर्ड स्वायन स्वांसिश ओडर आइन हुंडर्ड स्वायन स्वांसिश, बोथ आर करेक्ट. ओके नेक्स्ट. ये भी हमने कर तो लिया है बट फिर से एक बार थोड़ा सा रिविजन के साइड से हमें करना है. सो विल डू दिस एट द एंड ऑफ द लेक्चर. ओके अगर टाइम बचता है तो ये कर लेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था थोड़ा सा, याद है आपको, एंड में किया था एकदम, इसलिए मैंने फिर से ये स्लाइड रखा है इसमें. दास इज देयर हुंड फॉन लीजा, इसका मतलब होता है कि ये लीजा का डॉग है. ओके तो उसको हम लोग गेनेटिव फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं? तो दास इज लीजाज हुंड. तो जैसे अपना अपोस्ट्रोफी एस होता है इंग्लिश में, इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे यूज करते हैं? किसी के बिलोंगिंग के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो हम यूज करते हैं, राइट? जैसे अगर कोई पेन है जो अर्णव का है तो मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगी इंग्लिश में? दिस इज अर्णव्स पेन, तो वो अपोस्ट्रोफी एस आएगा. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग वो अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं बट जैसे एस लगता है आगे वैसे ही लगाते हैं. दास इज लीजाज हुंड, राइट? याद है आपको ये किया था हमने लास्ट लेक्चर में, दास इज देयर हुंड फॉर लीजा. अगर ऐसा स्टेटमेंट है और आपको उसका चेंज करना है जेनेटिव फॉर्म में तो सिर्फ आपको इतना करना है, दास इज लीजाज हुंड. याद आया? या अर्णव श्लोक दोनों को याद है ये? वेरी गुड. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस सिमिलर है, देर हुंड फॉन लीजा हाइस्ट बेलो, तो देर हुंड फॉन लीजा इतना लिखने से अच्छा है सिर्फ हम लोग ये जो. ओके अर्णव यू वर नॉट देर, ओके नो प्रॉब्लम. तो एक बार आपका भी रिविजन हो जाएगा. ये देखो जैसे देर हुंड फॉन लीजा इतना ही हमें बोलना है, मतलब क्या कि लीजा का डॉग ऐसा हमें बोलना है, तो उसके लिए ये पूरा सेंटेंस यूज करने की जगह पे देर हुंड फॉन लीजा की जगह पे हम लोग रिप्लेस करके कैसे लिख सकते हैं? लीजाज हुंड. सिमिलरली यहाँ पे देर हुंड फॉन लीजा हाइस्ट बेलो, मतलब लीजा के डॉग का नाम बेलो है ऐसा हमें बोलना है, तो उसके लिए देर हुंड फॉन लीजा विल बी रिप्लेस्ड बाय लीजाज हुंड हाइस्ट बेलो. आ गया समझ में? यस अर्णव.
ओके वेरी गुड. सिमिलरली वो जिंड दी एल्टन फॉन पीटर, तो उसमें वो जिंड पीटर्स एल्टन. ओके ये सारे ऐसे वर्ड्स के लिए आ जाएगा, ऐसे नाउन्स के लिए आ जाएगा जिनके एंड में एस नहीं है. जैसे हम में से किसी का भी अगर नाम ले लिया, आरती ले लिया, तो आरती ऐसा हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली, ऐसा हम लोग फ्रेम कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे नाम के एंड में ही एस हो, जैसे क्लाउस, तो वहां पे क्या करना है, उसको डबल क्लाउस करना है? नहीं, उसको सिर्फ एपोस्ट्रोफे देना है. ओके ऐसे करना है हमें, डबल एस नहीं डालना है. जो नाउन के एंड में, जैसे यहाँ पे देखो क्लाउस कार्ड्स, तो वो एपोस्ट्रोफे यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि क्लाउसेस कार्ड्स, ऐसा हम लोग बोलना चाहते हैं, उसका डबल एस करके नहीं लिखना है. इज इट क्लियर? ये दो में फर्क है. जैसे क्लाउसेस के बारे बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें दस आउटो फॉन नताशा ऐसा बोला गया है, तो नताशा के नाउन के एंड में तो ए आया नाम में, तो फिर वहां पे हम लोग कर सकते हैं नताशा, नताशाज आउटो हार्ट आई न पान, तो ये क्लियर हो जाएगा. बट अगर नाम के एंड में एस है तो, और उसका कोई चीज बिलोंगिंग हम लोग बोल रहे हैं, तो उसके एंड में आपको बस एपोस्ट्रोफी लगाना है. ओके सबको ये क्लियर हो गया? ये सिर्फ दो चीजों में लिखने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर नाम के एंड में एस आ रहा है तो और एक एस ऐड नहीं करना है, एपोस्ट्रोफी ऐड करना है. दैट्स इट. या तो लास्ट लेक्चर में हमें टाइम नहीं मिला था, तो ये एक बार एक दो एग्जांपल्स आप आपके नोटबुक में लिख के लीजिए. जैसे फर्स्ट जो ए सेंटेंस है वो लिख के लीजिए, दासिस्ट देर हुंड फॉन लीजा, दासिस्ट लीजाज हुंड. और क्या कीजिए, ये देर हुंड फॉन लीजा को अंडरलाइन कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जगह पे हम लोग लीजाज यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है, तो ये ए सारे सेंटेंसेस लिख रहे हो तो और भी अच्छा है, वरना सिर्फ ए और डी ये दोनों एटलीस्ट लिख के लीजिए. तो क्लाउस के टाइम पे आपने क्या किया और लीजा जब नाम था तब आपने क्या किया, वो दोनों आपको याद रह जाएगा. ठीक है, प्लीज राइट दिस टू ए और डी. हो गया लिख के? यस, हो जाने के बाद सिर्फ चैट बॉक्स में बता दीजिए. हो गया है ना सबका? ओके आपको अभी इसमें ना चार सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो चार सेंटेंसेस को आपको पिक्चर के साथ मैच करना है, जैसे कौन से पिक्चर के साथ कौन सा सेंटेंस जाएगा. ठीक है, हम लोग पिक्चर्स को अभी तो कुछ अल्फाबेट्स दिए नहीं गए हैं तो वो दे देते हैं. जैसे ये ए होगा, कर्सर दिख रहा है आप सबको, पहला वाला ए, फिर बी दूसरा, फिर ये थर्ड सी और ये डी. ओके तो आप लोग बताते जाइए कि कौन से सेंटेंस के साथ आपका कौन सा पिक्चर मैच होगा, ए बी सी और डी. तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना है. श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड फर्स्ट सेंटेंस. यस श्लोक. ओ मामा मुझे पर पहचान. हाँ, दास इज माय ब्रदर, एयर इज फियर उन Swanfish are alt. Sina nama is the Ewe. De hunde one Ewe heist the bellow. Yeah, very good. So, ye kaun se picture ke saath match karta hai?
मैम वो द लेफ्ट मैम द टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट ये वाला जहाँ पे कर्सर है अभी या वेरी गुड रिश्तेश ओके तो दिस इज माय ब्रूडर मतलब क्या हुआ दिस इज माय ब्रदर एर इस्ट उसकी उम्र 24 इयर्स ओल्ड जाइन नाम अभी यहाँ पे जाइन क्यों आया आपको पता चला जाइन नाम क्योंकि वो जाइन किसके लिए यूज करते हैं हम लोग प्रोनाउंस में हीज के लिए हीज राइट तो ब्रूडर है तो मतलब मेल है इसलिए हीज आ जाएगा और हीज के लिए हम लोग जाइन यूज करते हैं तो इसलिए जाइन नाम इस्ट ऊ देर हुंड फॉन ऊ हाइस्ट बेलो तो अभी हमने गेनेटिव सीखा है तो उस हिसाब से मुझे बताइए कि ये देर हुंड फॉन ऊ को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग गेनेटिव जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा वैसे सेंटेंस को चेंज करके आपके चैटबॉक्स में लिखिए देर हुंड फॉन ऊ हाइस्ट बेलो उसकी जगह पे मुझे गेनेटिव में चाहिए समझा आपको क्या करना है ये जो देर हुंड फॉन ऊ ऐसा लिखा है नहीं इतना नहीं इतना सब कुछ नहीं दैट इज माइन ब्रूडर हुंड नहीं ठीक है ये भी सही है उसमें अगर आपको ऐसा बोलना है कि सिर्फ ये देर हुंड फॉन ऊ ऐसा जो आपने लिखा है उसकी जगह पे आप ऐसा लिख सकते हो ऊ हुंड That's it. ये चाहिए था मुझे क्लियर और अगर एक और चीज मैं आपको ये सेंटेंस में बताने जा रही हूँ तो उस हिसाब से आप अभी देर हुंड फॉन ऊ ये सारी चीजें आप वैसे की वैसे रख सकते हो सिर्फ इंस्टेड ऑफ ब्रूडर व्हाट यू हैव टू डू इज श्वेस्टर ब्रूडर की जगह पे आपको वहां पे श्वेस्टर डालना है तो आपका सेंटेंस कैसे चेंज होगा वो पूरा का पूरा लिख दीजिए ठीक है जो तीन चार लाइंस है ना वो आपको बताने हैं कि सिर्फ हमारा जो पहला सेंटेंस है जो स्क्रीन पे दिया गया है दैट इज दास इस्ट माइन ब्रूडर इंस्टेड ऑफ ब्रूडर यू हैव टू यूज वर्ड श्वेस्टर ओके तो वो श्वेस्टर यूज करके आपका सेंटेंस पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा पूरा चारों लाइन्स दे दो दास इस्ट माइन श्वेस्टर इज रिस्टिश बाकी की चारों लाइन्स लिख लो सबको लिखना है ये आप एक काम कर सकते हो चैटबॉक्स में लिखने से अच्छा आपके नोटबुक में लिख के लीजिए और फिर मैं किसी एक को वो पढ़ने के लिए बोलूंगी ओके तो तीनों को समझ में आ गया पहले क्या करना है चार सेंटेंसेस है आपके सामने द असिस्ट माइन ब्रूडर एर इस्ट फियर उन स्वांसी शियर आर्ट जाइन नाम इस्ट उव देर हुंड फॉन उव हाइस्ट बेलो सारी चीजें आपको सेम रखनी है ओके यू कैन चेंज द नेम बिकॉज उव ये किसी लड़के का नाम है तो यू हैव टू यूज एनी लड़की का नाम लीजा यूज कर लीजिए क्योंकि श्वेस्टर है राइट तो ऐसे आपको चेंज करना है और सेंटेंसेस आपके नोटबुक में चारों सेंटेंसेस लिख के लीजिए मैं किसी भी एक को बोलूंगी कि वो सेंटेंसेस पढ़े क्लियर क्या करना है सबको पता चल गया है सिर्फ अभी पता चल गया इसके लिए चैटबॉक्स में याद ऑर्डर 9 लिख दीजिए सो दैट आई विल गिव यू टाइम टू राइट दीज सेंटेंसेस 9 ओके देखो अर्णव जो आपके सामने पहला सेंटेंस है पूरा दैट इज माइन ब्रूडर एरिस्ट फियर उन स्वांसी शेयर आर्ट ये सेंटेंस में आपको चेंज क्या करना है ब्रूडर अभी ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ है कि एक बंदे ने अपने ब्रदर के बारे में ब्रूडर मतलब ब्रदर ब्रदर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है उसकी उम्र कितनी है उसका नाम क्या है
और उसके डॉग का नाम क्या है, ये तीन चीजें उसने अपने भाई के बारे में बताई है। सिमिलरली आपको सेंटेंस इस तरह से चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड ब्रूडर मतलब भाई के बारे में बताने की जगह आप बहन के बारे में बताओगे, ठीक है। जैसे ब्रूडर की जगह पे आपको यूज करना है श्वेस्टर। अभी जब आप सेंटेंस में श्वेस्टर डालोगे तो आपका जो जैसे जाइन नाम इज उअ, ऐसा हमने किया क्योंकि हिज नेम इज उअ, तो वो हिज की जगह पे हर आएगा, तो वहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ऐसे आपके प्रोनाउंस जो है वो चेंज होते जाएंगे, तो वो कैसे चेंज करते हो आप वो मुझे देखना है। इसके लिए आपको ये ब्रूडर की जगह सिर्फ श्वेस्टर ऐड कीजिए और आपके सेंटेंसेस चेंज कीजिए। जो बाकी की चीजें उनकी उम्र ये सारी चीजें आप सेम रखोगे, हुंड का नाम तो भी चलेगा। इज इट क्लियर नाउ क्या करना है, पता चला? यस अर्णव, या ओके श्लोक, आपको भी पता चला क्या करना है? सो आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू राइट दीज सेंटेंसेस। अभी ओके अभी भी नहीं पता चला, ठीक है। देखो आपको आपने जो सेंटेंस पढ़ा अभी द सिस्ट माइंड रूडर वाला, तो उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, राइट? वो आपके एक ब्रदर के बारे में एक इंसान ने इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो जैसे ये सेंटेंस में ब्रदर के बारे में दी है, आपको 4 सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम करने हैं जिसमें आप बहन के बारे में इंफॉर्मेशन दोगी। तो बहन के लिए हम जर्मन में वर्ड यूज करते हैं श्वेस्टर, जैसे ब्रदर के लिए है ब्रूडर, सिस्टर के लिए है श्वेस्टर, ओके। तो आपको श्वेस्टर वर्ड यूज करना है, वो श्वेस्टर के साथ साथ क्या क्या चेंजेस होंगे आपके सेंटेंस में वो अब आपको डिसाइड करने अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस, तो वो कर लीजिए, ठीक है। जितना होता है उतना कीजिए, जितने चेंजेस आप कर सकते हो। देयर हुंड फॉन ऊ हाइस्ट बेलो, देयर हुंड फॉन ऊ मतलब ऊ का डॉग, हुंड डॉग, हाइस्ट नाम है बेलो, जो लीजा हुंड हमने लास्ट स्लाइड में देखा था सेम है, ऊ के हुंड का नाम है बेलो, इतना ही है, ओके। तो उस हिसाब से जितना आपको हो सकता है उतनी चेंजेस कीजिए, पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या क्या और चीजें चाहिए थी सेंटेंस में, ओके। सो आई गिव यू 5, राइट दीज सेंटेंसेस।
ओके हो गया लिख के, या ओके राहुल प्लीज रीड. Das ist meine Schwester. Sie ist 24 Jahre alt. Sein Name ist Lisa. Der Hund von Uwe heißt Will. Der Hund von Lisa. Apne Lisa Schwester ke bare mein likh rahe ho na? Yeah. Lisa heißt Will. ओके बाकी सब ठीक है. सिर्फ जो आपने जाइन नाम किया ना वो ईयर नाम ओके अर्णव ने लिखा है चैट बॉक्स में ईयर नाम इज टू. ओके हर नेम इज हर के लिए हम ईयर यूज करेंगे नॉट जाइन. ओके सो अर्णव ने क्या लिखा है दैट इज माइनस वेस्टर रिश्तेश जी इस्ट फियरुंस वंशी शेराल्ट वेरी गुड ईयर नाम इज टू. ओके अभी आपने चेंज नहीं किया है ऊ बट ऊ लड़के का नाम है तो आप कुछ भी लड़की का नाम यूज कर लेंगे जैसे लीजा एमा वॉट एवर. ईयर नाम इज ऊ अगर आपने लिखा है ठीक है. देयर हुंड फॉन ऊ हाइस्ट बेलो परफेक्ट. ओके तो इसमें चेंजेस क्या होने थे हमारे एक तो पहला जो माइन ब्रूडर है दैट विल चेंज टू माइन श्वेस्टर क्योंकि श्वेस्टर के लिए अपना आर्टिकल आएगा दी ब्रूडर के लिए होता है देयर. तो देयर ब्रूडर बी श्वेस्टर वो अकॉर्डिंगली माइन ब्रूडर होता है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनर श्वेस्टर फर्स्ट चेंज. सेकेंड चेंज विल बी एर इज फॉर यूज फॉर ही जो अपना इंग्लिश का एच ई होता है उसके लिए एर यूज करते हैं तो एर इज फियरुंस फ्रांसिस यारा आर्ट उसकी जगह पे आएगा जी इज फियरुंस फ्रांसिस यारा आर्ट. देन जाइन इज अ पजेसिव प्रोनाउन फॉर एर. ओके हिज के लिए जाइन यूज होता है इंग्लिश का हिज इज इक्विवेलेंट टू जाइन ऑफ जर्मन. तो वो अभी हम श्वेस्टर मतलब सिस्टर के बारे में बोलने जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा ईयर क्योंकि जो आई एच आर ईयर होता है दैट इज फॉर हर हर नेम इज राइट. हम लोग बहन के बारे में बोलते वक्त हिज नेम इज नहीं करेंगे तो इसलिए ईयर नाम इज फिर आप लीजा यूज कर लोगे तो कोई भी चलेगा नाम जैसे लड़की का कोई भी नाम. Their hund von Lisa heißt Bello. ऐसा सेंटेंस हो जाएगा. ओके इज इट क्लियर. तीनों को समझ में आ गया क्या चेंजेस हो जाते वहां पे. मेन ग्रामर के हिसाब से ये तीन है जो अर्णव ने सही लिखा है माइनर जी और ईयर ये तीन चेंजेस मोस्ट थे ये सेंटेंस में करने के लिए परफेक्ट. देन नेक्स्ट सेंटेंस अर्णव प्लीज रीड नेक्स्ट सेंटेंस जो सेकेंड है और वो कौन से पिक्चर के साथ जाएगा वो भी बता दीजिए. Das ist mein Mutter. Sie wohnt in Berlin. Ihr Auto ist vier zehn Jahre alt. Then second image. Top right corner. Yes, very good, perfect. तो अभी ये सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा. Das ist meine Mutter. This is my mother. She wohnt in Berlin. She lives in Berlin. Ear out. देखो अभी यहाँ पे जो ear आया ये हमें ऊपर use करना था जाइन के जगह पे. So ear auto is मतलब उसकी जो कार है that is Fiat Sale 14 years old. क्लियर ये sentence का meaning है. अभी जैसे हमने ऊपर change किया वैसे मैं यहाँ पे भी आपको बोलने वाली हूँ एक change करने के लिए. So instead of using Mutter you are going to use फाटर सेम जैसे ऊपर किया वही करना है ठीक है. थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपका सेंटेंस जैसे पहले लिखा वैसे नोटबुक में लिख के लीजिए. वन विल रीड दैट सेंटेंस इंस्टेड ऑफ मोटर यू हैव टू यूज फाटर.
ओके हो गया लिख के मैम, मेरा इंटरनेट इशू था, क्या आप वापस बोल सकते हैं? हेलो मैम, कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड अर्लियर, बिकॉज़ आई एम नॉट डन, आई कैन गेट इट। ओके, जो सेकंड सेंटेंस है ना, अभी जो अर्णव ने पढ़ा था, दिस माइनर मूटर, हां, तो उसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग मूटर यू हैव टू यूज फादर। ओके मैम, मतलब फादर, यहां पे मदर के बारे में लिखा है तो फादर। ओके ओके अर्णव, विल वेट फॉर सम टाइम, एक दो मिनट आपको देती हूँ, आप भी सेंटेंस जल्दी से खत्म कर लीजिए। मैम वो हियर ऑटो इज द 14 ईयर ओल्ड, मतलब उसकी जो कार है वो 14 साल पुरानी है। ओके मैम, मेरा हो गया। ओके हो गया, वेरी गुड, रख दीजिए आप ही के पास, अर्णव का हो जाने के बाद आप पढ़ दीजिए, ठीक है? ओके श्लोक, प्लीज रीड व्हाट एवर यू हैव रिटन। दैट दिस माय फादर सीयर वोंट इन इन पोसम हियर फराद इज द फ्यूम्स इन यार आल्टर। ओके देखो, आपने जो चेंजेस किए वो ठीक है, बट आपको मेन चेंज क्या करना था अभी देखो। हाँ, दास इस्ट माइन फादर, अगर आपने यहाँ पे फादर के बारे में बोल रहे हो, जी वोंट इन बर्लिन, इसका मतलब होता है शी लिव्स इन बर्लिन, तो अभी आप फादर के आगे शी नहीं लगाओगे, ही लगाओगे ना, सो यहाँ पे आएगा एर वोंट इन बर्लिन। नेक्स्ट ईयर आउटो, ईयर आउटो मतलब हर कार। ओके तो जैसे आपने फारहर किया, वेरी गुड, यहाँ पे ईयर की जगह पे आएगा जाइन, बिकॉज जाइन इज यूज फॉर हिज, सो हिज बाइक, ऐसा अगर आपको बोलना है तो ईयर में ही आप यूज करोगे, जाइन फाराड इज फ्यूमसेन यार आल्ट। ओके समझ में आ गया क्या चेंजेस करने थे? जो मैंने फाटर यूज करने के लिए कहा उसमें आपको मेन चेंजेस ये आ जाते कि फर्स्ट दास इज माइन फाटर, ये ई चला जाता और सिर्फ एम ई आई एन रहता, माइन फाटर, जी नहीं आता क्योंकि जी इज यूज फॉर शी, और हमें हम फादर के बारे में बोल रहे हैं तो ही यूज करना पड़ेगा, और ही के लिए हम यूज करते हैं एर, उस हिसाब से आ जाएगा एर वोंट इन बर्लिन। नेक्स्ट चेंज, अगर बर्लिन की जगह पे आप कोई दूसरी जगह चूज कर लेते जैसे अभी श्लोक ने किया वैसे, वो भी ठीक है। उसके बाद ईयर आउटो, अभी यहाँ पे ईयर है, ईयर इज फॉर हर, ओके वी डोंट हैव टू यूज दैट हर, बिकॉज हम लोग फादर के बारे में बोल रहे हैं तो हमारा आएगा हिज, और हिज के लिए आता है जाइन, सो जाइन ऑटो, ऑटो यूज करना है ऑटो, फाराड यूज करना है फाराड, जाइन फाराड इस्ट, फिर अगर आप द फियत्सेन, फ्यूमसेन, जेक्सेन, वट एवर नंबर यू वॉन्ट टू यूज, यार राइट, इज इट क्लियर? श्लोक समझ में आ गया क्या हो गया था आपके सेंटेंस में? आपने बाकी के सारे चेंजेस अच्छे किए, आपको मेन जो चेंज करना था दैट वॉज योर प्रोसेसिव प्रोनाउंस एंड पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे जी की जगह पे एर, ईयर की जगह पे जाइन। ओके परफेक्ट, अर्णव करेक्ट लिखा है आपने, राहुल आपका भी सेंटेंस करेक्ट है, चेक कर लीजिए एक बार। या श्लोक समझ में आ गया क्या क्या चेंजेस चाहिए थे सेंटेंस में? यस
Yeah, okay, they are good. Next sentence, Shlok, please read next sentence, third wala. Das sign a minor. Das in the minor grows altern. Minor grows father, heist the kurta, un is the 70, zwei un. Zibzish? Zibzish, yar alter, minor cross mutter, is the act un, sex fish, yar alt, un heist ana. Anna, they are good. तो कौन से ऐसे पिक्चर के साथ मैच होता है? मैम बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम लेफ्ट रिश्तेश. ओके नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़ लीजिए राहुल. तो मैं दोनों में क्या चेंजेस करने हैं वो होमवर्क में दे दूंगी. फोर्थ सेंटेंस माइनस श्वेस्टर स्पेल्ड कुक्लाविया शी इज एमा हियर डॉक्टर इज ज्वाई यारार्ड. ओके जेयर गुड. अभी ये जो दो सेंटेंसेस है उसमें थोड़े से चेंजेस करके आपको होमवर्क में करने हैं. ठीक है तो ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको होमवर्क करने में आसानी हो. जो थर्ड सेंटेंस है इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रोस एल्टर्न यू विल बी यूजिंग एल्टर्न. तो उस हिसाब से सेंटेंस में जो भी चेंजेस होंगे वो आपको करने पड़ेंगे. ठीक है वो आप सेंटेंस का मीनिंग समझ के लेके करना होगा आपको. तो ग्रोस एल्टन की जगह पे आपको यूज करना है एल्टन थर्ड सेंटेंस में. और जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें श्वेस्टर दिया गया है श्वेस्टर की जगह पे ब्रूडर. इज इट क्लियर? फॉर थर्ड सेंटेंस ग्रोस एल्टन की जगह पे आएगा एल्टन. इन केस ऑफ फोर्थ सेंटेंस श्वेस्टर की जगह पे आएगा ब्रूडर. और उस हिसाब से आपको आपके सेंटेंसेस चेंज करने हैं. विल रीड दो सेंटेंसेस इन द नेक्स्ट लेक्चर. इज इट क्लियर? होमवर्क क्या है आपको पता चल गया है सबको? या ओके. तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके सामने वो सेंटेंसेस रहेंगे जब आप चेंज करोगे तब. या फिर नोट देम डाउन इन योर नोटबुक. जब आप एल्टन लिखोगे तो भी ठीक है. उम्र के बारे में भी अगर चेंजेस करने हैं तो उस हिसाब से कर सकते हो. ओके फॉर नाउ थैंक यू बाय. डांकाउन चूस. Mom, thank you, Mom. Yes.